पाकिस्तानी हुकूमत के समर्थन और कट्टरपंथी सोच से जो आतंकी कभी भारत को अपने आतंक से दहलाया करते थे, वो आतंकी आजकल एक अलग खौफ के साए में जी रहे हैं। जिस पाकिस्तान में पहले आतंकी खुलेआम घूमा करते थे, भारत विरोधी साजिश रचा करते थे, वहाँ आज मातम पसरा हुआ है। हाल ही में कुख्यात आतंकवादी आजम चीमा जहन्नुम पहुँच गया है। 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों से 188 लोगों की जान लेने वाला चीमा न केवल भारत विरोधी साजिशों का मास्टरमाइंड था, बल्कि लश्कर का इंटेलिजेंस चीफ भी था। हालांकि चीमा की मौत हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कई आतंकियों की रहस्यमय तरीकों से मौत हो चुकी है। आजम चीमा ना पहला है और ना आखिरी, और भी कई आतंकी है जो पाकिस्तान में ही संदिग्ध हालातों में मर रहे हैं। पता नहीं कौन है वो अज्ञात लोग जिनका कहर भारत के दुश्मनों के ऊपर बरस रहा है। उधमपुर हमले का मास्टरमाइंड हंजला अदनान। 2015 में उधमपुर में सेना के काफिले पर हमले की साजिश रचने वाला हंजला अदनान 2 दिसंबर 2023 को जहन्नुम पहुंच चुका है। उसकी जहन्नुम की ये फ्लाइट कराची से टेक ऑफ हुई थी। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ। तो वही पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ भी इन दिनों जन्नत में हूरों के पास है। लश्कर में भर्ती करने वाला अकरम गाजी। 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का प्रमुख गाजी को पाकिस्तान के बाजार में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर मार गिराया था। ये आतंकी भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था। हाफिज सईद का करीबी मुफ्ती कैसर फारूक। हाफिज सईद के सबसे करीबी मुफ्ती कैसर फारूक को अक्टूबर 2023 में कराची में गोलियों से उड़ा दिया गया था। ये लश्कर का फाउंडर मेंबर था। तो वही आतंकी किताब कहे जाने वाला एजाज अहमद एंगर का खेल भी 2023 में काबुल में अज्ञात हमलावरों द्वारा खत्म कर दिया गया। फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाले हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। उसकी हत्या भी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की थी। इसके साथ ही मुल्ला बाहौर, अबू कासिम, बशीर मीर जैसे खूंखार आतंकियों को भी ठिकाने लगाया जा चुका है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी तो मजे की जिंदगी जीते थे, लेकिन इनकी साजिशों के शिकार होने वाली भारत की जनता खौफ के साए में जीती थी। कभी ट्रेन में विस्फोट तो कभी मंदिरों पर हमला, कभी कश्मीर में खून खराबा तो कभी मुंबई में धमाका। निकम्मी यूपीए सरकार और अक्षम नेतृत्व ने भारत को आतंकियों का पसंदीदा प्लेग्राउंड बना दिया था। लेकिन वो कहती है ना, मजबूत इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प से कुछ भी नामुमकिन नहीं। पिछले 10 सालों में न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया गया, बल्कि सीमा के बाहर जाकर भी देश को आंख दिखाने वालों की आंख नोच ली। अब आलम यह है कि भारत की सीमा के अंदर आने की तो सोचना भी दूर, भारत के दुश्मन अपने घरों के अंदर भी खौफ के साए में जी रहे हैं।